Good afternoon, students. All students of class prep to a very good afternoon to you all. Students, today I present before you all to take your English class through YouTube live video classes. बच्चों, सबसे पहले तो class prep to के सारे बच्चों को मेरी ओर से good afternoon. और बच्चों, आज मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ आप लोगों का English का online class, क्योंकि class का आपका सीधा प्रसारण होता है school classroom से YouTube live video classes के माध्यम से जो आपके फोन में है, तो उस माध्यम से मैं आपका क्लास आज क्लास का सीधा प्रसारण जो है इंग्लिश क्लास का लेने के लिए उपस्थित हूँ. तो बच्चों, YouTube लाइव वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपका क्लास आज लिया जा रहा है और आज आखिरी क्लास है. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल से आप लोगों का फाइनल एग्जाम शुरू है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए फाइनल एग्जाम के तर्ज पे मैं कुछ बता रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू दैट तो आप लोग लिखेंगे, सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों. सबसे पहले तो है अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स, दोनों एक ही है. ठीक है, या एंटोनिम्स. ठीक, तो इसको बताएंगे बच्चों कुछ अपोजिट वर्ड्स और एंटोनिम्स होंगे आपके लिए ओल्ड न्यू. ठीक, ओल्ड का न्यू, फास्ट स्लो, उसके बाद है ऑन ऑफ. ठीक, ऑन का ऑफ तो हो ही जाएगा बच्चों, ऑन ऑफ. अप डाउन, ठीक, अब यहाँ पे पार्टीशन देंगे. मॉर्निंग, ठीक है ना, मॉर्निंग का तो सिंपल है, इवनिंग हो जाएगा. डे नाइट, इन आउट. अच्छा, एक और बनेगा, happy sad, happy sad. जल्दी से बनाओ बच्चों. जल्दी से बनाइए. Come on students, write down fast. अरे अब जल्दी से लिखिए बच्चों आप लोग. तो देखेंगे यहाँ पे कुछ विकृतार्थक शब्द हैं आपके, अपोजिट वर्ड है जिसको कि उल्टे शब्द ही बोलते हैं. तो ओल्ड का हो जाएगा नीम, फास्ट का स्लो, कॉमिंग का गोइंग, ऑन का ऑफ, ऑन मतलब चालू करना और ऑफ मतलब बंद करना, अप का डाउन, मॉर्निंग का इवनिंग, डे का नाइट, इन का आउट, सिट का स्टैंड. सिट, सिट मतलब क्या होता है बच्चों? अब जैसे सिट मतलब होता है, जैसा कि सिट मतलब बैठना होता है, ठीक है ना, कि नहीं. तो स्टैंड हो जाएगा हैप्पी का सैंड. तो अभी यहीं पे देखिए, ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, और न्यू नया, फास्ट तेजी से, स्लो धीरे, कमिंग आना,
गोइंग जाना, ऑन का चालू करना, ऑफ का मतलब बंद करना, अप का ऊपर और डाउन का नीचे, मॉर्निंग का सवेरे और इवनिंग का शाम, डे का दिन और नाइट का रात, इन का अंदर और आउट का बाहर, सीट का बैठना और स्टैंड का घुसना, हैप्पी का खुश और सैड का दुखी। तो चलिए बनाते हैं इसको टाइम में। अब देखिए मैस्कुलिन फैमिली, स्कूलिंग स्त्री, मैस्कुलिन का मतलब पुरुष जाति और फेमिनिन का मतलब स्त्री जाति। तो सबसे पहले टी का, टी कौन का हो जाएगा बच्चों, टी है ठीक। गुण का का, गुण का का, हॉर्स का में घोड़े, घोड़े का घोड़े ठीक। सर का मैडम, सर का मैडम, ड्रेक कांडा, एक फादर का मदर, फादर का मदर, मदर एक फादर का मदर। उसके बाद बच्चों सन का डॉटर, अंकल का आंट लिखिए। जल्दी से लिखिए बच्चों। जल्दी से लिखिए बच्चों। स्टूडेंट्स राइट डाउन, हरिहर जल्दी से बनाइए बच्चों। कम ऑन हर्डी अप स्टूडेंट्स। देखिए पीकॉक, पीकॉक का मतलब क्या होता है, मोर, और पीहन का मतलब क्या होता है, मोर मी ठीक है। पीकॉक का मोर और पीहन का मोर मी,
बुल सांड होता है, बुल का मतलब और गाय, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, सर मैडम, सर यानी कि शिक्षक शिक्षिका मैडम, ड्रेक ड्रेक मतलब हंस, हंसनी डक, फादर का पिता और मदर का माता, ठीक। सन का मतलब क्या होता है, ये बोलते हैं सन का डॉटर, अंकल का यानी कि सन मतलब बेटा, ठीक है, एस ओ एन सन, ये सन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी जानने और समझने वाली बात है कि एस ओ एन सन का मतलब क्या होता है, तो बेटा, और डॉटर डी ए यू जी एच टी ई आर डॉटर, डॉटर मतलब बेटी, ठीक, तो सरल है। और अंकल है यू एन सी एल ई अंकल यानी कि चाचा, आंट ए यू एन टी आंट, इस आंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये भी जानने वाली बात है, चाची होता है और अंकल मीन्स होता है चाचा, ठीक है, सरल है, एक्सपर्ट हो गया। आई ब्रदर गॉड देव देवी प्रिंस प्रिंसेस, प्रिंस का मतलब क्या होता है बच्चे, ये भी जानने और समझने वाली बात है, राजकुमार तो राजकुमारी होता है, वासर है दो धोबी धोबी वासर दो है, पोएट कवि कवि पोएट्स, ठीक, डॉग बीच उद्यान, जल्दी से लिखिए बच्चों, जल्दी से बनाइए बच्चों, इन क्वेश्चंस को लिखिए जल्दी से, इन प्रश्नों को लिखिए,
जल्दी से लिखिए बच्चों, जल्दी से पढ़ो। चलो बनाओ बच्चों जल्दी से। देखिए मैस्कुलीन और फेमिनिन का मतलब क्या होता है, पहले इस पर हम लोग चर्चा कर ले। इंग्लिश ग्रामर है यानी कि अंग्रेजी व्याकरण। ठीक, ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है। मैस्कुलीन और फेमिनिन, देखिए जितने भी संज्ञा शब्द हैं दुनिया में वो या तो पुरुष जाति के होते हैं या फिर स्त्री जाति के होते हैं। ठीक है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स व्हिच आर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड आर आइदर मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। ठीक, या तो वो पुरुष जाति के शब्द होंगे या फिर वो स्त्री जाति के शब्द होंगे जितने भी संज्ञा। तो ये यहाँ पे है गॉड, तो गॉड यानी कि देव, तो देवी हो जाएगा गॉडेस। उसका प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमार। वासर मैन, आप देखो धोबी, तो वासर वो मैन धोबी हो जाएगा। फॉक्स लोमड़ी, तो भिक्षन होता है। लायन का हो जाएगा लायनेस, शेर का शेरनी। ठीक है, सरल है, इसमें तो कहीं से कोई चर्चा करने की बात नहीं। किंग राजा का रानी, पोएट कवि का कवित्री, और डॉग का क्या होगा इसको भी जानने वाली बात है। बिच यानी कि कुत्ता का कुतिया। ठीक है, चलिए बनाइए। चलिए लयात्मक शब्द करेंगे राइमिंग वर्ड। लयात्मक शब्द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। ठीक, माइंड का क्या हो जाएगा, माइंड हो जाएगा। ठीक, माइंड का इनका हो जाएगा ब्रेन। नाइस का हो जाएगा नाइस। पूल का हो जाएगा पूल। पूल का क्या हो जाएगा, पूल। मैट का हो जाएगा कैट। ये का हो जाएगा बेल। देखा मैं बच्चों, देखा देखा क्या कर दूँगा मैं, हम कभी ना कभी जाते जाएंगे। उसके बाद फिश का हो जाएगा डिश। ठीक, यहाँ पे पार्टीशन भी होता है। हाउस का हो जाएगा
नाउंस ठीक। उसके बाद दैट का कुछ लगाना है, पॉट का हो जाएगा पॉट, नैप मतलब क्या होता है, झपकी लेना होता है ठीक है, नैप का मतलब होता है झपकी लेना, पॉट का पॉट मतलब क्या होता है, चटाई होता है ठीक। सम का हो जाएगा लिख लीजिए बच्चों जल्दी से, कम ऑन स्टूडेंट्स राइट डाउन दिस, आई शैल बी बैक इन राइट इन अ फ्यू सेकेंड्स, आप लोग लिखिए मैं वापस आता हूँ ठीक है, आप लोग लिखिए इसको राइमिंग वर्ड्स। नैप मतलब क्या होता है बच्चों, नैप मतलब होता है झपकी लेना ठीक है ना, नैप मतलब वही होता है झपकी लेना। तो जल्दी से बनाइए इन क्वेश्चंस को। डे का मैंने मे इसलिए लिखा है कि मे आप लोग को याद हो जाएगा, मे मतलब होता है मई महीना, तो आप लोग को मई याद हो जाएगा, माना नेम ऑफ ए मंथ है तो आप लोगों को सरलता से ये याद हो जाएगा बच्चों ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, काइंड काइंड का हो जाएगा माइंड, किंग का हो जाएगा विंग ठीक है, किंग का विंग हो जाएगा और काइंड का हो जाएगा माइंड, ये तो सरल है। नाइस डाइस हो जाएगा, डाइस किसको बोलते हैं बच्चों, तो हम लोग पासा को बोलते हैं डाइस ठीक है, पासा को बोलते हैं डाइस, पासा को बोलते हैं हम लोग डाइस ठीक है। पासा जो लूडो का होता है, कूल मतलब ठंडा, तो कूल हो जाएगा, ठीक है मतलब कूल, मैट हो जाएगा, मैट का मतलब क्या होता है, दरी या चटाई जिसको बोलते हैं हम लोग, तो कैट हो जाएगा। डे का मे हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखोगे, डिक्की डे का मे हो जाएगा, फिश का डिश हो जाएगा, हाउस का माउस हो जाएगा, गैप का नैप हो जाएगा, नैप मतलब मैंने जैसे कि आप लोग को बताया झपकी लेना, पॉट बर्तन पॉट हो जाएगा, सम मम कोल्ड होल्ड और हम हम जो ऊंट को होता है पीठ पे और उसका बम्प हो जाएगा ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ओनली फॉर टुडेस क्लास, द नेक्स्ट क्लास विल बी कंडक्टेड बाय टुमारो एज पर सिलेबस, टिल देन चिल्ड्रन गुड बाय एंड टेक केयर।